ने फोन किया था? मैंने किया था साहब। इसे इतनी बेरहमी से मारा है, इसके आगे पीछे कोई है या नहीं? हमें नहीं पता सर, हम तो पास के स्टेट में काम करते हैं, आते समय लाश देखी तो आपको फोन किया। शिट। कॉन्स्टेबल्स? यस सर। बॉडी का पंचनामा करो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। आसपास कोई एविडेंस मिले तो कलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है सर। पवित्रा जल्दी आ जा बेटा। नाश्ता करने जल्दी आ जा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या माँ आप भी ना? आप न चैन से नहाने भी नहीं देती, नाश्ता करने के लिए क्यों बुलाती हो मुझे? तुम अपने टाइम पर खा लिया करो प्लीज। तुमने कभी देखा है कि मैंने तुम्हारे बिना कभी खाया हो? मैं तुम्हारे साथ खाना खाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बेटा। ठीक है छोड़ो, नाश्ता करते हैं। पवित्रा ने तुम्हें फोन किया था क्या? नहीं तो। तुम्हें? नहीं की। अब फोन ट्राई करो उसे। ए कहाँ है तू? आ रही है। हाय हाय।
हाय 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 गुड मॉर्निंग हाय हाय चीयर्स चीयर्स प्रदीप हमारे प्लान के बारे में बता दिया था इन सबको मेरे बताने से पहले इन सबको पता चल गया हाउ कम मैन किसने बताया और कौन ये देख सामने बैठी है ना मेरी माँ हे मैं कब तेरी माँ बनी बे ए पवित्रा मनोश्री ट्रिप अरेंज की तुम्हें पता है क्या तुम सबसे पहले से जानती हूँ मैं ये बात मनोज ने सबसे पहले मुझे बताया उसके बाद तुम लोगों को ठीक है हमें कब चलना है बताओ ये कैसा सवाल पूछ रहा है कल दोपहर का प्रोग्राम फिक्स है यस गाइस यू ऑल आर रेडी ना बिल्कुल बिल्कुल क्या पवित्रा तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो बेटा वो मैं आपको बताना ही भूल गई मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ तुम क्या बिल्कुल पागल हो गई हो ट्रिप पे जा रही हो और मुझे अब बता रही हो कहाँ जा रही हो तुम मरकरी साइट में माँ अभी दो दिन पहले ही तुम मैसूर होके आई हो और अब मरकरी जाने की तैयारी कर रही हो दो दिन पहले कंपनी के काम से गई थी और अब मैं फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ मुझे नहीं पता क्या काम क्या ट्रिप है तू आजकल कुछ अलग बिहेव करने लगी है अरे वहाँ तेरा ख्याल कौन रखेगा मेरे बारे में आप चिंता मत करो मेरे फ्रेंड्स भी तो है आफ्टर ऑल तीन दिन की बात है मैं जल्दी आ जाऊंगी प्लीज मैं यहाँ अकेले रह के परेशान हो गई हूँ बेटा अगर मेरे पास तेरी बहन होती तो मुझे सहारा मिलता मैं अकेले पड़ जाती हूँ भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया सोचा तू मेरे साथ रहेगी लेकिन तुम्हारे लिए तो हमेशा काम काम और काम मैं आप ही के साथ रहूंगी ना माँ सिर्फ एक बार एडजस्ट कर लो प्लीज माँ मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी प्लीज माँ तू हमेशा ऐसे बोल के मेरा मुंह बंद कर देती है माँ मैं चलता हूँ हाँ मनोज संभल के डैड चलता हूँ एंजॉय द ट्रिप मनोज बट बी केयरफुल श्योर ओके डैड ओके माँ चलता हूँ हे भगवान हमारी रक्षा करना माँ मैं चलता हूँ डैडी को बता कर जाना सुबह ही फोन करके बता दिया था माँ ठीक है माँ चिंता मत करो माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी ठीक है अब मैं जाऊं ठीक है जाओ पर संभल के रहना स्वीट माँ ए मनोज कहां पर है तुम्हारे राइट में देखो अबे पगला राइट में देख हाय बेवकूफ संभाल के चला गाइस कम ऑन क्यों सब चुपचाप बैठे हो अंताक्षरी खेलोगे सब लोग हाँ ओके थोड़ा जोश में तो बोलो यार ओके अब एक काम करते हैं बॉयज की ये टीम है गर्ल्स की वो टीम है सब बॉयज उस तरफ जाओ सारी गर्ल्स इस तरफ आओ करो जल्दी करो गर्ल्स अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को आधे आधे घंटे के लिए दूर रखो ओके ओके रेडी ओके सा रे ग म प ध नी सा बॉयज सा से गाओ चलो जल्दी जल्दी कम ऑन टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री हेलो काउंट स्टार्ट कर दिया है हमारे 10 गिनने तक अगर तुम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया तो तुम लोग हार जाओगे You are loser. हेलो, लूजर कौन है? यारो, चलो गाओ सा से. सोचो. सा सा सा. टिक टिक थ्री. सा साल पहले मुझे तुमसे प्यार था. आज तुमसे प्यार था. आज भी है और कल भी रहेगा. गा 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 गा
गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरे मनमंजिल कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन ना 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 से वॉइस ना ना से गाओ ना से गाओ अरे यार नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज ही पहचान है। तू कब से देवदास बन गया? तुमने टांग दी होती तो मैं देवदास बन जाता। टांग नहीं दी हूँ ना मैं, फिर ऐसी फीलिंग्स वाले गाने क्यों? फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं है, वो नासे गाने के लिए बोला तो मैंने गा दिया। और क्या, तुम लोगों ने बच्चों की तरह फिर झगड़ना शुरू कर दिया। अपना ये झगड़ा बंद करो और चुपचाप गाना गाओ। कम ऑन गर्ल्स, टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5 गाओ ना। हम तो तेरे अरे जियो राजा। मैडम मैं गाऊं क्या? अरे अंकल आप ही गाएंगे, गाइए गाइए। सुनो गर्ल्स, ये अंकल हमारी टीम में है और ये उनकी टीम में। ओके गाइए गाइए। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। क्या बात है अंकल, क्या मस्त गाना गाया आपने। भाई जी आपने इतना अच्छा कैसे गाया? अरे वो पागल, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सभी भाई के फैन हैं, समझा? भाई की कोई भी फिल्म लगने दो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं, समझा क्या? हमने भाई की जितनी फिल्में देखी हैं, तूने पूरी जिंदगी में नहीं देखी होंगी। अरे अंकल आप भी हिंदी फिल्में देखते हैं क्या? कैसी बातें कर रही हो बेटी, हिंदुस्तान में पैदा होकर गंगा नदी का पानी पीकर हिंदी फिल्में नहीं देखी तो हिंदुस्तानी होने का क्या फायदा? सुपर, अगर आपके जैसे सब लोग सोचने लगे तो अपनी हिंदी इंडस्ट्री सब भाषाओं से आगे हो जाए। भाई जी आपने तो एकदम कमाल कर दिया। ए कृष्णा क्या बात है, मुझे झाड़ पर चढ़ा रहा है क्या? ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, आगे देख के गाड़ी चलाओ। हाँ अबे तेरी तो, ए अगर तुझमें ताकत है ना तो ये बता भाई की 100वीं फिल्म कौन सी थी? ये ना फर्स्ट है ना लास्ट है, उनकी बीच वाली फिल्म पूछ रहे हो ना, कहाँ से बताऊंगा बोलो। तुझे पता है कि नहीं ये बता। मुझे नहीं पता भाई। हिंदुस्तान में पैदा होकर भाई की 100वीं फिल्म कौन सी है ये भी नहीं पता? थू तेरा जन्म तो बेकार हुआ है। हमको छोड़ो ना, आप ही बताओ 100वां कौन सा है। जो गाना मैंने अभी गाया था उसी फिल्म का है, अब याद आया तुझे? दरवाजे के पास बैठा है ना तू, एक काम कर दरवाजा खोल और कूद के मर जा। क्लीनर भाई आप जरा अपना झगड़ा मैं से गाओ ना। सुनो यार माँ से गाओ ना। टिक टिक 5 टिक टिक 6 टिक टिक 7 टिक टिक 8 टिक टिक 9 टिक टिक 10 चलो ढाबा आ गया, उतरो सब। हाँ हाँ ढाबा आ गया, उतरो उतरो, उतर के थोड़ा हवा खा लो। आओ जी आओ, कुछ खा पी लो यहाँ। हे नागू, बढ़िया। अरे वो क्यों नहीं आई यार? अरे वो थक गई है यार, खाना पार्सल लाने के लिए बोल रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, सुना जाओ जी जाओ, बहुत तेज भूख लगी। जल्दी चलो ना, पहले कुछ खा लेते हैं फिर सोचेंगे। हाँ चलिए ना, चल चल खाते हैं। हाँ चलिए भाई चलो चलो। ए कृष्णा यहाँ पर बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, तुझे बताया था ना, 2 प्लेट खा लेना तू। हाँ ठीक है खाऊंगा।
आओ ना। यस सर। बिरयानी है ना? जीरा राइस है सर। अच्छा ओके सर, फिर वही लिया। मेरे को डबल लेके आना। हाँ आप लोग क्या लेंगे? मेनू में क्या है? ओनली जीरा राइस। जीरा राइस खाएंगे सब लोग? ठीक है यार, वही लेकर आओ। ओके ले आओ। लाता। अरे लाएगा, रुक ना। नाश्ता हो रहा है, कब आएगा? जल्दी क्या है तेरे को? अरे लेकर आ रहा है ना वो, अब रोना बंद कर तू। चल देख आ गया। आ गया, रखो इधर। यहाँ रखो, भाई को भी दो, एक और रखो, पानी तो दे दो भाई। ये दो ग्लास। हाँ दवा के खा। सोमू चला जा, हम भी खेलेंगे। चल हम भी खेलते हैं इसके साथ। हाँ ए लड़की, उन बच्चों के साथ क्या खेलती हो? हमारे साथ खेलो, अलग ही मजा आएगा, समझी? ए मेरे दीदी के साथ कबड्डी खेलने का दम है क्या? ए, किसके दम के बारे में जानना चाहता है तू? ऐसे खेल तो हमने बहुत खेले हैं। चलो यार हम भी शुरू करते हैं, चलो खेलते हैं। चल इसी बात में हाथ धोया यार। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या मतलब है इसका? यार बहुत बहुत थैंक्स यार, एक ब्यूटीफुल लोकेशन में एक बहुत अच्छा बंगला दिखाने के लिए। ओके थैंक यू, बाय। एकदम मस्त। क्या हुआ? सर नमस्ते। नमस्कार, कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मनोज है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम आने वाले हैं ऐसा हमारे बॉस ने फोन किया होगा ना? अरे दो दिन पहले छोटे मालिक ने फोन करके बताया था ना कि उनके दोस्त आने वाले हैं, वही लोग हैं ये। मेरा पति थोड़ा ट्यूबलाइट है, बुरा मत मानिएगा। आइए आइए, कम ऑन गाइस, चलो 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 दोस्तों, आइए आइए अंदर आइए। ओहो, हम लोग इस घर में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग रहकर गए हैं, उनके लिए तो हमारा खाना मजेदार था। हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आप लोग को कैसा खाना चाहिए? नॉन वेज चाहिए कि वेज चाहिए? देसी मुर्गा चाहिए कि मोंगूस चाहिए कि सुअर चाहिए? आप लोग बस करो ना, डर जाएंगे वो लोग। और पीने के लिए कुछ मिलेगा क्या? पीने के लिए चाहिए, अभी लाया पानी। ओ सुनिए जी, हम दोनों ही ट्यूबलाइट हैं। मिस्टर एंड मिसेस ट्यूबलाइट। ये लो, पेट भर के पियो। ठीक है, हम नदी में जाकर नहाकर आते हैं, ये लीजिए पैसे, तब तक आप और हम लोगों के लिए फ्रेश बांगड़ा मच्छी बनाकर रखना। ठीक है, बना देता हूँ। अंकल थोड़ा तीखा ज्यादा बनाना। आंटी हमारा रूम का। चलो मैं दिखाती हूँ। सुनिए आप जाकर मसाला रेडी कीजिए, मैं जाकर कमरा दिखा कर आती हूँ। के लिए बोल रहे हैं। हाँ, चलेगा। हाँ, चलिए चलो।
एक मिनट तुम चुप रहो यार। हाँ क्या हुआ, रुक क्यों गया? ए तू चुप रहे। सुन यार, तुम्हें कुछ अजीब सा साउंड नहीं सुनाई दे रहा यहाँ पर? यार एक बार तू आवाज करके देख। ए कोई जंगली जानवर होगा, क्यों डर रहे हो? इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो आगे। बेकार में डरा दिया। ए नागू थोड़ा जल्दी चलना। यार हाँ, आगे जाने की जरूरत नहीं, उधर यही पर नहा लेंगे। हाँ जगह तो ठीक है यार। हाँ, मैं भी चल। ए तुम लोग यहाँ पर अपना ड्रेस चेंज कर सकते हो, मगर हम लोगों का क्या? हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे? हम लोग कहाँ चेंज करेंगे? इनके बारे में सोचना पड़ेगा। वहाँ जाओ और जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? ये ठीक है। वहाँ? अरे जाओ जाओ, कोई बात नहीं है। अरे आगे गड्ढा हो सकता है, देख के। तू आ गया। ए, पहले तू खुद को संभाल, बाद में दूसरे को बोलना। चल आगे चल। पवित्रा, तुम्हें उस ब्रह्मांड ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे जैसी लड़की के साथ। मेरी जैसी लड़की मतलब मैं नहीं क्या? तुम ही। बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? इस धरती के जितना, उस आसमान के जितना। सच कहूं तो तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ए, किसे देख रहे हो तुम? भगवान के बनाए हुए स्वर्ग लोक में हूँ मैं, अपनी ब्यूटी के साथ। ओहो, फिर भी क्या फायदा? और उन लोगों को देखो कितने खुश दिखाई दे रहे हैं वो लोग, और एक तुम हो, इतनी दूर बैठी हुई हो। ए, पास में आओ ना। पास आऊंगी तो क्या होगा, मुझे पता है, तभी दूरी मेंटेन करके रखी है, वहीं बैठो। क्या कुछ भी सोमू। हाँ। देखो ना उन्हें, दोनों के बीच कितना प्यार है। ए, पगली है तू? हाँ? तू वो कमीने लोग कभी कभी अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा प्यार सच्चा है जान। सुनो एक बात बताऊँ, मेरे दिल में, मेरे सपनों में, मेरी आंखों में, बस हर जगह तुम ही तुम ये हो। सब बातें ट्रिप खत्म होने तक ही रहेंगी। सोमू, नागराज जो कह रहा है वो सही है क्या? तो है। उस कबीने की बात क्यों सुन रही हो? इधर देखो मैं कौन हूँ, कोहिनूर डायमंड हूँ, मास्टरपीस हूँ। अगर तुम कहो तो जहाँ तक ये नदी जाती है वहाँ तक तैर के दिखा सकता हूँ। अगर तुम कहो तो इस नदी का पत्थर उठाकर इस नदी की दिशा तक बदल सकता हूँ मैं। दिखाऊं क्या? ए, पहले इसको तो उठाकर दिखा, पत्थर उठाने की बात में करना। ए, क्या समझते हो, मेरे सोमू को ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, बहुत हिम्मत है मेरे सोमू में, पता है? सही कहा। अब सोमू मेरे लिए एक शेर सुनाएगा, है ना? सोमू, शायरी सुनाकर इन लोगों का मुंह बंद कर दो। इतना ही ना, चलो सुनाता हूँ। ओ मेरे दिल की रानी। वाह वाह, आगे आगे सुनो। ओ मेरे दिल की रानी। हाँ अब आगे भी बोलो। आगे पता हो तब ना। मुझे इतना ही आता है यार। क्या कहता? बेवकूफ। अरे हवा बहुत तेज है।
रह गया यार। शिट। मेरा पैर भी गया। वो देखो। ओह नो, मेरा मोबाइल भी गया। अरे यार मेरा बैग, मेरा बैग भी चला गया। चला गया। क्या पहनूंगा मैं? क्या करे? क्या करे? सुनो, ये सारे के सारे कहाँ चले गए? अगर लड़कियाँ साथ होंगी तो ये लड़के क्या जल्दी घर आएंगे? हम दोनों को सुबह से भूख लगी है, वो लोग कब आएंगे क्या पता। अरे भूखड़, तुझे सचमुच भूख लगी है क्या? अरे झूठ बोलती है, भगवान से तो डर। ए, सुबह से मैं भूख से मर रही हूँ और ये मेरा पति है जो मेरे ऊपर हंस रहा है। सुबह से सिर्फ एक चपाती खाई थी मैंने, उसके बाद घी डाल के थोड़ा सा चावल खाया था, उतने से मैं, क्या भला होगा, कोई मुझे बताएगा क्या? तू भूत बन के अगर मुझे खा भी जाए ना तो भी तेरा पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला। ए, मैं तुम्हें भूत दिखाई देती हूँ तुम्हें निगलने के लिए। अरे रे रे, हे भगवान, क्या बोल दिया मैंने। देखो जी, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, वो लोग अभी आ जाएंगे, उनके आते ही उनको थोड़ा खिला देना, बाकी का बचा हुआ तुम खा लेना। आपके लिए? तुम्हारा पेट भर गया तो मेरा भी पेट भर गया। अरे रे रे रे, मुझ में भी इंसानियत है, मेरे खाने के बाद जो बचेगा वो मैं आपको दे दूंगी। अरे बाप रे, ये लोग ऐसे कैसे आ रहे हैं? अरे रे रे रे, के कपड़े कहाँ चले गए? लड़कियों ने तो कुछ पहना भी है, ये लोग तो कुछ भी नहीं। ए, देखना मत, तू अपनी आंखें बंद कर ले। हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है, जाते समय तो सब ठीक था, आते समय ये लोग हाफ निक्कर में क्यों आ रहे हैं? अरे क्या बताऊं भाई, हम लोगों के कपड़े तूफान में उड़ गए। ऐसा? हम लोग नदी से नहाकर बाहर आए और जब कपड़े पहनने वाले थे, इतनी जोर से हवा आई कि हमारे बैग, कपड़े, मोबाइल, कैमरा सब उड़ गए। बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपना बैग और कपड़े ही बचा पाया मैं। ये मैटर है। अच्छा, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। क्या मतलब है किसी को कुछ हुआ नहीं? मतलब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा मैंने। चलो चुपचाप अंदर, मच्छी का सालन बनाया। अरे भाई तुम भी चलो, नहीं तो बाकी के कपड़े भी उड़ जाएंगे। बड़ा अजीब सा तूफान था ना यार। वो तूफान नहीं था, बवंडर था यार। प्रकृति की सुंदरता को कैप्चर करने के लिए कैमरा लाई थी और आज देख रही हूँ कि प्रकृति ही मेरे कैमरे को उड़ा ले गई। मेरा 30,000 का मोबाइल भी चला गया। क्या हुआ? तेरे को क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सोमू? तुम्हारा क्या चला गया पता नहीं, पर मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज चली गई है। कौन सी चीज सोमू? तुम्ही ने जो दिलवाया था। डॉलर? नहीं रे। नहीं तो अंगूठी? अरे वो जो अंडरवेयर तुमने दिलवाया था। अबे यार, सबकी यहाँ महंगी महंगी चीजें चली गई हैं और इसे देखो, ये एक अंडरवेयर के लिए रो रहा है। यार मनोज, उस दिन जब हम आ रहे थे वहां से तो एक अजीब सा साउंड नहीं आ रहा था, ऑब्जर्व किया था? ए, छोड़ो यार, अभी क्यों उसके बारे में बात कर रहा है? क्या हो सकता है? वो कोई जानवर मेरी आवाज सुनकर आ गया होगा। तेरी आवाज तो वैसे भी जानवरों जैसी है। अच्छा चलो, सब खाना खाने चलते हैं। चलो मनोज, ए, क्या हुआ? अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, सुन जरा। ए, सोमू, सोमू। ना। यार अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं वो कौन है। ए, देवा, देवा। क्या हुआ? इस बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है। क्या यार, चलो देखते हैं। नागो, ए नागो,
उठना यार। क्या हुआ यार इतनी रात में? कुछ नहीं यार, अपने बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है। चल चल के देखते हैं। रमिया, ए रमिया, क्या हुआ सोनू? बंगले में किसी के घूमने की आवाज आ रही है, चलो चल के देखते हैं। जल्दी कौन है? आंटी आप हो? ये क्या बेटा, तुम लोग खुद तो डरे और मुझे भी डरा दिया ना। अरे आंटी आप हैं, हम लोग तो कोई भूत समझे थे। क्या मैं भूत जैसे दिखती हूँ तुम लोग को? आंटी एक बार अपना चेहरा आईने में देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कैसे दिखती हूँ। रात को इसको मैं भी देखकर डर गया हूँ कई बार। आप लोगों का डरना कोई बड़ी बात नहीं। ए सुनो सब लोग, अब ये परेशानी खत्म हुई ना, चलो चल के सोते हैं। इनको देखकर हमारे सोमू का पेंट गीला होने वाला था। ओए कमीनो, मैं कोहिनूर डायमंड हूँ, मास्टरपीस हूँ। मैंने तो बस तुम लोगों को चेक करने के लिए किया था ये सर। डर तो गया था ये सर। खुद की हालत तो देखो ऊपर से नीचे तक। अबे चुप। चल अब। चल अभी। हाँ चलो यार। चलो यार सोते हैं चलो। नाग भाई कॉफी। थैंक यू थैंक यू। कॉफी। ए देवा देवा भाई कॉफी। थैंक यू आंटी। थैंक यू। अरे अब उठ भी जाओ, कॉफी पियो ना, जल्दी उठो कॉफी ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। रात को तो आपने हमको भूत दिखाई दिया था। भूत का नाम मत लेना तुम, मुझे तो भूत से बहुत डर लगता है। रात को जो हुआ उसे भूल जाओ, गरम गरम कॉफी पियो। आंटी कॉफी सुपर। थैंक यू थैंक यू। आंटी मेरी कॉफी। वेट वेट कमिंग। हाँ देखो देखो गर्मा गर्म कॉफी। ए जल्दी से उठ जाओ नहीं तो ये कॉफी तुम्हारे सर पे फेंक दूंगा मैं। तुम भी उठो। तुम्हें क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए? ये पकड़ो। बे चल। थैंक यू सर। वेलकम। अब ये कॉफी मेरी और मेरी बीबी के लिए आधा आधा। अरे एक और लड़की कहाँ है? वो बाथरूम में होगी आंटी। ओह तब तक तो ये कॉफी ठंडी हो जाएगी, इसे मैं और मेरा पति पी लेते हैं। हाँ, एक बात और तुम लोग को पहले बता दूं मैं, इसे आधी रात को घूमने की आदत है। आप लोग डरना नहीं, पहले मैं भी डरता था इसलिए मैं ताबीज। अरे मेरा ताबीज कहाँ गया? अरे नीचे बांध दिया है। अरे देखो हाथ ना? में था नीचे कब? बताया था बताया था। एक कॉफी। कॉफी कैसी लगी? एंजॉय।
ओहो, मैं भी ना। मेरे हाथ का खाना कैसा लगा तुम सबको? अच्छा भाई साहब, खाना बहुत अच्छा है, एकदम मेरी माँ के हाथ के जैसा। अयो हाँ अंकल, सुनिए रागी की लिट्टी और चिकन करी बना कर रखिए, हम लोग जंगल से घूम कर आते हैं। ठीक है, बनाता हूँ। आप लोग पोल्ट्री मुर्गा शहर में रोज खाते होंगे, मैं देशी मुर्गा बनाऊंगा, आप खा के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बनाऊँ ना, बहुत टेस्टी बनेगा। ठीक है, हम लोग जंगल से घूम कर आते हैं। हाँ हाँ, जाओ आराम से घूम कर लौट के आना, आपको खाना तैयार मिलेगा, उसके बाद आकर खाना खा लेना तुम लोग। ओके अंकल, ठीक है। क्यों भाई, नाश्ता अच्छा था ना? हाँ अच्छा था। हेलो, कमिश्नर शिंदे बोल रहा हूँ। उस वॉचमैन के केस का क्या हुआ? सर वो पोस्टमार्टम तो हो गया है सर, डेफिनेटली मर्डर है, पर अब तक कोई क्लू मिला नहीं है सर। ओके, जल्दी से केस को सॉल्व करने की कोशिश करो सर। ओके सर। ए, ऐसे क्यों घूर रहे हो तुम? ऐसे मत घूरो मुझे, कुछ कुछ होता है। पता है तुम कितनी सुंदर दिखती हो, रंबा, उर्वशी, मेनका, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। बस बहुत हो गया, ऐसे टाइम पर लड़के ऐसी ही बातें करते हैं। सच कह रहा हूँ, अफसरा जैसी दिख रही हो तुम। बस बस टाइम हो गया, अब चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। ए, नागू! अरे नागू, क्या हुआ? चल, चल, ए, नागू उठो, उठो ना नागू। चल जल्दी, चल यार, चलो चलो, देखो ना इसे क्या हुआ। ए, नागू, क्या हुआ? नागू उठो, ऊपर की तरफ उठो। क्या हुआ नागू? संभाल के, आराम से गिर गया। ठीक है। ए नागू, नागू, हेमा, ये सब कैसे हुआ? हेमा, पता नहीं कैसे हुआ, हम लोग यहाँ बैठे बात कर रहे थे और अचानक ये फिसल गया। क्या ठीक तो है ना? अरे यार इसे रूम पे लेके चलते, उठा ले, चलो समझ गए, चलो चलो। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें नींद नहीं आ रही, इसका मतलब तुम्हें दर्द बहुत ज्यादा है। सॉरी नागू, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। छोटी सी बात के लिए इतना फील मत करो, ये सब तो अचानक ही हुआ। चुप करो, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही तुम्हें जबरदस्ती वहाँ लेके गई थी। अगर मैं वहाँ जाने की जिद न करती तो तुम्हें इस तरह इतनी चोट नहीं लगती। तुमने किसी को जाते हुए देखा वहाँ? इस समय वहाँ कौन होगा? कोई नहीं होगा, चुपचाप बैठो। नहीं, कोई तो गया है वहाँ पर, मैं देखता हूँ। कोई भी हो जाने दो, तुम चुपचाप यहाँ बैठो। घबराओ मत, मैं देख कर आता हूँ। ए नागू, ए नागू, नागू, ए कहाँ जा रहे हो? ठहरो तो। चलो चलते हैं वापस। नागू, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज वापस चलो। ओह माय गॉड, ओए देवा, देवा क्या हुआ? नागू कहां पर गया है? हे हेमा के साथ यहीं कहीं होगा, देख।
पवित्रा, पवित्रा, हेमा कहाँ है, कहीं दिख नहीं रही। ए, बाथरूम में होगी यार, देख। अच्छा। अरे पता नहीं कहाँ चला गया साला। ए नागू, देखा क्या? नहीं। हेमा को? नहीं, क्यों? कहाँ चले गए लोग? बाहर वो नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ हेमा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ चले गए ये दोनों? ए, क्या कह रहे हो, ठीक से देखो, तुम यहीं कहीं होगा। अरे नहीं यार मनोज, मैंने सब जगह पर देखा, वो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो सब बाहर जाकर ढूंढते हैं। ए, चलो चल देखते हैं। ए, तू भी चल। हाँ। अंकल, नागराज और हेमा को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है। नहीं देखा, अब क्या करें? चल सुनो, तुम इस तरफ जाओ, सोमू तू स्ट्रेट जा, प्रदीप तू उस तरफ जा। हेमा! नागराज, नागराज, हेमा, हेमा, नागराज, नागराज, हेमा, हेमा, नागराज। अरे कहाँ चले गए ये लोग? नागराज, 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 हेमा, 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 नागराज, हेमा, नागराज, नागराज, हेमा, वो लोग नहीं मिले क्या? कहाँ गए? पता नहीं यार। हेमा, नागराज, नागराज, हेमा, 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 नागराज, नागराज, अरे कहाँ चले गए? हेमा, 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 नागराज, ओए नागराज, पता नहीं यार कहाँ चले गए, पता नहीं यार कहाँ चले गए दोनों, पता नहीं यार कहाँ है ये। चलो उधर चल के ढूंढते हैं। चल चल आजा। हेमा, मनोज, पवित्रा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया इन लोगों को? क्या हो गया इन लोगों को? ये लोग तो रात में हमारे साथ ही थे, फिर इतनी जल्दी ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार, किसने मारा है? यार किसी ने इनका मर्डर किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों रात को बाहर आए होंगे जरूर, और उन्हें किसी ने मार दिया होगा। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? नागराज, नेटवर्क नहीं आ रहा यार, चलो रूम में जाके ट्राई करते हैं। चलो चलते चलो। सुनिए। अरे क्या बात है? मुझे मटन चाहिए। अच्छा बाबा, तेरे लिए मटन का पीस लाता हूँ, तू चिंता मत कर। बिल्कुल हाँ। क्या हुआ इसे? सुबह सुबह तुम लोग कहाँ चले गए थे? क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? राम भाई, नागराज और हेमा की किसी ने हत्या कर दी। ए, तुझे कैसे पता कि वो खून है? वो सब तूने किया क्या? ये तू कैसी बातें कर रहा है यार? तेरे और उसके बीच में झगड़ा हुआ था ना? अबे उस छोटी सी बात के लिए कोई जान लेता है यार, इसे पता? ए, प्रदीप तू चुप कर, किसी पे बिना बात के डाउट मत कर। वो बात नहीं है यार। ए, उन लोगों को दूर जाना नहीं चाहिए था, यही पास में रहना चाहिए था। रात को अचानक से एक बड़ी जोर से आवाज आई, उस वक्त मैं इस मोटे शैतान को उठा उठा कर थक गया, ये उठा ही नहीं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा ही नहीं साहब। दीना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, मुझे बहुत डर लग रहा है, पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलो ये ट्रिप पर मैं कुछ नहीं चाहे। यार सही कह रही है,
ड्राइवर भाई आप गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है साहब, चल बे मोटे, चल चल ना। आओ भाई। भैया क्या हुआ इसको? पता नहीं क्या हुआ। बोनट खोलो। देखो भाई, यहां पर तो सब ठीक है, तो अब क्या करें भाई? चल चल चल। क्या हो गया इस गाड़ी को? सब कुछ तो ठीक है साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी ऐसे तंग तो नहीं किया इसने? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। अगर बुरा ना माने नीचे उतर कर गाड़ी को धक्का लगा दे। क्या यार? ए कृष्णा, क्या हुआ? नीचे उतर धक्का लगा। हाँ अभी लो भाई। क्या मुसीबत है यार। चलो चलो चलो, धक्का मारना है। आओ, पता नहीं क्यों नहीं करवाते। सब लोग मिलके मारेंगे। जोर से धक्का मारो। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चालू हो जा। ड्राइवर भाई, हाँ? ऐसा कब तक धक्का मारेंगे? अरे चेक करो ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ? ड्राइवर साहब क्या हो गया? नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब क्या करोगे? शहर जाकर मैकेनिक को लेकर आना पड़ेगा। कैसे जाओगे सिटी में? कितनी दूर है? अरे 10 किलोमीटर है। आप लोग चल कर जाओगे तो कोई काम नहीं होगा। इनकी बात सही है। आप लोग सीधा चलते जाइए। हाँ। आगे रोड आएगा। हाँ। वहां से लिफ्ट लेके चले जाइए। हाँ। और मैकेनिक ले आइए। ठीक है। कैसा? कृष्णा, हाँ? चल मेरे साथ। आ रहा हूँ भैया, जल्दी चलो। लेकिन मैकेनिक मिलेगा क्या? हाँ, हमें क्या पता अंकल। हाँ? ये लोग गए तो हैं, वापस लौटने में कितना टाइम लगेगा? रात भी हो सकती है। रात? हे भगवान। देखो सब लोग जाने की तैयारी में है। अच्छा खाना खिलाकर उन लोगों को भेजेंगे, क्या कहती हूँ? चलो जो कहोगे बना दूंगी। ठीक है। जंगल में मंगल मनाएंगे हम तो। ये सब कैसी आवाज है? क्या है ये? तो क्या भूत की तरह मेरे पीछे पीछे आ रहा है? तुम ही सबसे बड़े भूत हो भाई, तुम्हारे पीछे भूत कैसे रहेगा? अपने आप से क्या बातें कर रहा है तू? यहाँ कुछ नहीं है ना, ना कोई शैतान है ना कोई भूत है। चलते रहो भाई। हाँ, चलो चलो। हाँ, हाँ, ना भूत है ना शैतान है, होगा भी तो क्या कर। अभी चुपचाप चल मोटे। या भगवान है ना भूत है शैतान है। भैया किधर जाना है? ना भूत है ना। क्या हुआ भाई? चुपचाप चल कृष्णा। उनके माता पिता को क्या कहेंगे जब उन्हें इस बात का पता चलेगा? तो उनका क्या हाल होगा? उसने क्या क्या सपने देखे थे
वो तो अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखना चाहता था। हेमा को अपने माँ बाप से मिलवाने वाला था, उससे शादी करना चाहता था वो, मगर देखो क्या हो गया। हेमा कितने साफ दिल वाली थी ना, पर उसका सपना पूरा नहीं हो पाया। प्रदीप, पुलिस को फोन किया तूने? अभी नहीं यार, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। यार इतनी देर हो गई, ये लोग अब तक आए नहीं। पता नहीं मैकेनिक मिला कि नहीं, एक तो वो लोग डरपोक हैं। प्रदीप, वो लोग चाहे कभी भी आए, लेकिन हमें इस रूम को छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सही कह रहा है यार। पवित्रा? हाँ? कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही। ओके, संभल कर जाओ। पवित्रा, क्या हुआ? क्या हुआ? पवित्रा, डरो मत। यार, यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर है। याद है ना, हमने यकीन नहीं किया था, पर वो आदमी हमसे सच ही कह रहा था उस वक्त। अबे मजाक कर रहा है क्या पागल? अबे मैं मजाक क्यों करूंगा, सच बोल रहा हूँ माँ कसम। बस करो, ये चाकू किसने फेंका होगा, देखते हैं। पहले यहां से चलते हैं, चलो चला जा। किसने फेंका हुआ है चाकू? मिलने दो इसको, बताता हूं इसको तो मैं। इस तरफ चल। हाँ चल। ए, ए, कौन है वहाँ? ए मनोज, प्रदीप, सोनू, देवा, इधर आओ। ए, ए, रुको। ए, ए, रुको। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? यार ये तो रो रही है। अबे तू चुप कर यार। ए, बता कौन है तू? मेरा नाम सेल्वी है। हे भगवान, यहाँ पे क्या कर रही हो? आप किसे मारने आई हो? वो चाकू तूने ही फेंका था ना? यार चाकू इसने नहीं फेंका होगा। ए, तुझे नहीं पता, तू चुप कर। ए, बता वो चाकू तूने ही फेंका था ना? अरे ये तो सेल्वी है। हाँ, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। मतलब आप लोग इसे जानते हो? यही बगल में काम करने वाली लड़की है ये। अरे इसकी याददाश्त कभी कभी चली जाती है। ए सेल्वी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर जाओ। तो फिर ये चाकू किसने फेंका होगा यार? चलो चल चल। क्या चाकू, क्या कहानी है। जब से आया है तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, क्या करे भगवान। यार फिर वो चाकू किसने फेंका होगा यार? यार इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। कोई तो है जो हमें फॉलो करके ये काम कर रहा है। ऐसा है क्या? तो फिर हम क्या करें यार? ठीक है, चलो एक बार नागराज और हेमा को देखकर आते हैं। ए, इतनी रात को मैं नहीं आऊंगा बाबा। ए, ए, हम सब साथ है ना, चल चल, चल। अबे डरपोक मनोज,
मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मैं रूम में जाता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी तुम्हारे साथ, छोड़ दो मुझे यार, छोड़ दो। क्या हुआ तुझे? ए, मैं नहीं जाऊँगा। इसकी हरकतों को देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है, चल सुबह आते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम कल सुबह पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं ना। सही कहा, सुबह आकर देख लेंगे। ओके यार, चल चल चलते हैं। अबे इधर से चल। क्या हुआ तुझे? तुम डरो मत यार, कुछ नहीं होगा, डरो मत, तुम खड़ी हो जाओ। उठो 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 उठो। तुम सब लोग ऐसा करो कि कमरे में जाके आराम करो, हम सब लोग यहां संभाल लेंगे। हम लोग कब सोएंगे यार? कोई बात नहीं, एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या चल रहा है यार यहां पे, इसका सुराग तो मुझे निकालना ही होगा। यार ये हमेशा भूत की तरह क्यों चिल्लाता रहता है? चुप बे, वो आ रहा है। सुनो, तुम लोग अकेले कहीं पर भी मत जाना, अगर कहीं जाना है तो हमें साथ लेकर जाना। चलो आओ, चलो चल। Mm-hmm.
अरे ये सब क्या हुआ? यार मैंने कहा था ना, उस आदमी ने बात सही कही थी, देख लिया तूने? यार तूने टॉर्च कहाँ रखा? इधर ही है मनोज। ए मनोज ए संभल के, ये लो ये बेटा। मनोज एक भी जगह नहीं छोड़ना, सब जगह ढूंढना। चलो कहाँ है? हा? अरे पवित्रा कहाँ गई? बाथरूम में होगी शायद। पवित्रा 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 बैठो बैठो बैठो। कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। हाँ
सुनाओ भाई साहब, क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रहा है सर। अरे उतर कर चेक करो ना भाई। सर अभी देखता हूँ, एक मिनट सर। क्या हुआ है? कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जरा ठीक से चेक करो। सब ठीक तो लग रहा है। अरे जल्दी करो भाई, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है सर। सब कुछ तो ठीक है, एक बार स्टार्ट करके देखो। चल 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 चल। यार उस ड्राइवर को मैकेनिक मिला कि नहीं? फोन तो लगाओ ना यार उसे। अगर फोन किया भी होगा तो मिल नहीं रहा होगा, नेटवर्क नहीं है ना यहाँ पे। मैकेनिक नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन कम से कम इन लोगों को वापस तो आना चाहिए था ना। इस गाड़ी को भी पता नहीं क्या हो गया। सोमू पे मैंने बेकार में ही शक किया यार। अब आगे क्या करना है ये सोचो। देवा तुझे भी तो ड्राइविंग आती है ना, तू एक बार ट्राई क्यों नहीं करता? हाँ चलो। यार अब ट्राई करके देख। हाँ ए चल। हाँ ठीक है। Come on. स्टार्ट हो गई यार, स्टार्ट तो हो गई यार। सुन किसी भी हालत में गाड़ी को बंद मत होने देना। ठीक है ठीक है। जल्दी आना यार। जल्दी जल्दी बैग्स ले लो। अंकल इतना सब होने के बाद हमें यहाँ रहने में डर लग रहा है। हम भी आपके साथ चलते हैं, हमें भी ले चलोगे ना? हम ले जाएंगे ना हमें। ठीक है जल्दी करो। अपने आप को संभालो, ऊपर आ जाओ, आओ चलो। सुनिए यार गाड़ी कहीं मत रोकना, सीधा बेंगलुरु चलो। नहीं मनोज, पहले हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाएंगे, नहीं तो वो लोग कहेंगे तुम लोगों ने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई और इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। हाँ यार पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ रिपोर्ट करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया तो उनके साथ में आ जाएंगे। उन्होंने बुलाया तो हम लोगों को आना ही पड़ेगा। और हाँ तू गाड़ी संभाल के चलाना, ज्यादा स्पीड से मत चलाना। ठीक है।
पवित्रा जरा उसको संभालो। ठीक है मनोज। अरे पगली संभाल के बैठो। अरे मैं तो ठीक से बैठी हूँ। अरे बेवकूफ आदमी, कम से कम अपने कपड़े तो ठीक कर लिया करो। सब लोग अपने बच्चे जैसे हैं। हेलो सर। वो वॉचमैन वाले केस का क्या हुआ? सर वो वॉचमैन का और मैसूर में जो मर्डर हुआ है उन दोनों में कुछ लिंक हो सकता है सर। अच्छा वो कैसे? सर वो मरी हुई लड़की के आंखों का क्लोजअप फोटो लिया है तो उस लड़की के आंखों में वॉचमैन का इमेज दिखाई दे रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो, इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बेगुनाह हैं। सही कह रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो अपनी जगह से हिले भी नहीं। देखिए अंकल, हमें आप लोगों पर कोई शक नहीं है, ये जरूर किसी भूत का काम है। नहीं तो ऐसे रमिया इतने जल्दी कैसे मर सकती है? शुरू से ही हमें जरूर कोई भूत फॉलो कर रहा है। अरे बाप रे, बहुत डर लग रहा है। शहर पहुँचने में और कितना टाइम है? अरे अरे, और 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, जल्दी चलो ना। हाँ जल्दी चलो। शांति देवी आप ही है ना? हाँ मैं हूँ सर। आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर आइए सर। जूते पहने, चलेगा? कोई बात नहीं सर, अंदर आइए। थैंक यू। बैठिए सर। आप जानती है ये कौन है? नहीं जानती सर। जिस दिन आपकी बेटी का खून हुआ था उस दिन वो अपने ससुराल जा रही थी ना? हाँ सर। आपका और उसके ससुर जी का कोई झगड़ा हुआ था? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उनका नंबर है आपके पास? क्या हुआ सर? बस ऐसी इंक्वायरी करने के लिए। नंबर तो है सर, लेकिन मेरी छोटी बेटी को पता है। ठीक है, आपकी बेटी कहाँ है? वो ट्रिप पे गई है सर। अच्छा तो एक काम कीजिए, ये मेरा नंबर है, उसके आते ही फोन कर लीजिए। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। नमस्ते।
ब्रेक लगा यार। क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है दीवा? कहाँ जा रही है दीवा? अरे ब्रेक मार रहा है दीवा। अरे रे रे हे भगवान, ये कैसे हो गया? संभाल के, अरे चुप रहो, चलो उठो, नीचे उतरो। अरे क्या हो रहा है? रामा 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 हे भगवान। एम्बुलेंस को फोन करो। संभाल के लगा यार। हेलो एम्बुलेंस। अरे राम, आंटी आप बैठो, जल्दी चलो। अंकल आप लोग इस गाड़ी से जाइए, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन कर देना, हमारी गाड़ी पीछे ही है। ठीक है। लिफ्ट लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। भैया ये किसका गाड़ी है? ड्राइवर भाई जरा रोको। ए रोको रोको। ए कृष्णा देख, कोई बेवड़ा आदमी बी के गाड़ी चलाया होगा, देखो पेड़ में ठोक दी, पूरी गाड़ी का तो सत्यानाश हो गया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? जरा गौर से देखो उसको, किसका गाड़ी है वो? अरे इसकी, अरे ये तो अपनी गाड़ी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जल्दी कर जल्दी कर। अरे ये, अरे भैया गाड़ी के अंदर एक लाश है पीछे। हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, तू हट जरा। उधर देख भैया। अरे बाकी के लोग कहाँ हैं? ये आप क्या बोल रहे हो भाई, सब लोग उस लाश के पास बैठा रहेगा क्या? अरे किसने गाड़ी चलाया? जब गाड़ी चलानी है तो काय को चलाया? भाई मुझे पैसा दो, मुझे जाना है। तुम जाओ। सब देखकर मैं सोच रहा हूँ आपके साथ क्यों आया था मैं, मुझे आप नहीं चाहिए, आपके गाड़ी का काम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझको, मुझे पैसा देकर हिसाब कर दो, घर जाना है मुझे। बेवकूफ कहीं के, मेरी गाड़ी की हालत देख रहा है, तेरे को पैसे की जरूरत पड़ी है? थू। हेलो सर, मैं अमजद बोल रहा हूँ। सर वो मटकरी ट्रिप के लिए गाड़ी बुक किया था ना मनोज ने, सर हमें बिना बताए गाड़ी को चलाकर एक पेड़ से ठोक दिया है सर। और सर उस गाड़ी के अंदर एक डेड बॉडी भी पड़ी है। हाँ 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 ठीक है साहब। भैया बॉस ने क्या कहा? नमक हराम कहीं का। Oh.
मैं क्या करूं? कृष्णा क्या हुआ तुझे? घंटा हुआ नहीं तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा वैसा काम क्यों कर रहा है? पुलिस वाले को काहे को फोन किया? अरे अगर पुलिस को फोन नहीं किया तो अपने ऊपर आ जाता है कृष्णा। हाँ कुछ भी कर, चाहे तू जी चाहे तू मर, मेरा हिसाब कर दो, मुझे घर जाना है। ए कृष्णा थोड़ा चुप रहना, थोड़ी ही देर में पुलिस आती होगी। हाँ, आ जाएंगे, वो आके यहाँ वाट लगाएंगे। बेवकूफ हराम जादे, तू ही तो मुझको लेकर यहाँ आया था ना। वहाँ गाँव में मेरी माँ मेरी शादी धूमधाम से कराना चाहती है और तुम यहाँ पर मुझे दलदल में फंसाने की बात कर रहे हो। ईमानदारी से मेरा हिसाब दे दे, नहीं तो। ए कृष्णा शांत शांत, तुझे पैसा चाहिए ना बस। हाँ। मैं देता हूँ, ये ले ये ले। अब आया ना लाइन पे, ये ले। पहले क्यों नहीं दे दिया? दिमाग घुटने में है क्या तेरा? लाश की रखवाली कर, पुलिस आएगा तुझको जेल लेके जाएगा। बॉडी बड़ा है इसका लेकिन दिमाग छोटा है साले का, समझता नहीं है मेरी बात को। छे पता नहीं क्या हो गया इस मोटे गेंडे को। हेलो माँ, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हम लोग अभी रास्ते में हैं, 2 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक। प्रदीप जरा फोन देना। ये ले। हेलो पापा, मैं मनोज बोल रहा हूँ। पापा। मनोज बेटा क्या हो गया, 2 दिन हो गए फोन क्यों नहीं किया तुमने? क्या बताऊँ पापा, इस ट्रिप में सब अजीब अजीब हो रहा है, मेरे 6 दोस्त मारे जा चुके हैं पापा। बेटा तुम तो ठीक हो ना? नहीं पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ठीक है जल्दी आ जाओ तुम लोग। ओके पापा। क्या हो गया? सर जरा गाड़ी रोकी। क्या हुआ पवित्रा? पता नहीं पेट में थोड़ी गड़बड़ है, वॉमिट आ रही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हम सिटी में आ ही गए हैं। मुझसे नहीं होगा मनोज। अरे भाई साहब जरा गाड़ी साइड में लेना। पवित्रा क्या हुआ? पवित्रा, अरे पवित्रा क्यों भाग रही हो? ए पवित्रा क्या हुआ इसे यार? ए पवित्रा, पवित्रा, ए पवित्रा, पवित्रा क्यों भाग रही हो? पवित्रा, पवित्रा रुको। ए पवित्रा, पवित्रा, पवित्रा रुको। कहाँ जा रही है यार? ये इस जगह में क्यों आई है? पवित्रा, पवित्रा ये जगह सही नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। कहाँ भाग के जाएगा तू? बोला कहाँ भाग के जाएगा? हाँ पवित्रा। क्यों क्या हुआ? आज ये जगह बहुत खतरनाक लग रही है। कौन पवित्रा? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। शालिनी? कौन शालिनी? क्यों याद नहीं आ रहा है क्या? ठीक से याद करके देख। पवित्रा प्लीज, ये क्या हो गया है तुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे पवित्रा, छोड़ो। ए, तेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है, तू निकल यहाँ से।
इसके साथ क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। छोड़ूंगी नहीं। मैंने क्या किया? मुझे छोड़ दो प्लीज। तू? अच्छा तूने कुछ नहीं किया है? तुझे जाने दूं मैं? तुझे सब याद दिलाने के लिए ही मैं तुझे यहाँ लेके आई हूँ। याद कर। रुको, वो लड़की भाग के आ रही है, जरा देखो। बचाओ। क्या हुआ है बेटा? What happened? वहाँ चलिए सर, वो। Hey, come on, अंदर बैठो। नहीं तो देखो, छोड़ दो उसे, नहीं तो शूट कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तू गोली चलाएगा तो पवित्रा मरेगी, मैं नहीं। तो तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दो, इससे मरने के बाद ही मेरे मन को शांति मिलेगी, मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। ए, देखो मेरी बात मानो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो नहीं तो। इन सबको अच्छा इंसान समझ रहे हो इंस्पेक्टर? पापी हैं ये लोग, दरिंदे हैं। इन लोगों ने मेरा बलात्कार करने के बाद मेरा खून कर दिया। मैं अपने घर में खुशी खुशी बहुत अच्छे से जी रही थी, और फिर एक दिन। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ गई थी तुम दोनों? तुम्हें फोन कर करके मैं थक गई हूँ। क्या माँ, इतना गुस्सा क्यों करती हो? हम दोनों फिल्म देखने गई थी, मोबाइल साइलेंट मोड पे था, समझ गई ना? अच्छा बताओ, आपने फोन क्यों किया था? रामपुर से तुम्हारे ससुर जी आए थे, वो तुम्हारा इंतजार कर करके चले गए। ये बात है माँ, क्यों आए थे वो? किस लिए आएंगे? छुट्टियों में तुम्हें बुलाने आए थे। माँ सब जाएंगे, प्लीज माँ, मैसूर के पास है, सब जाएंगे। दीदी कंपनी वाली मुझे छुट्टी नहीं देंगे, आप और माँ दोनों होकर आओ। शालिनी मेरे पैर में बहुत दर्द है बेटी, मैं तो बस में चढ़ भी नहीं सकती, उतर भी नहीं सकती, और उस गांव में जाने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। तुम अकेली चली जाओ ना बेटी, ये ठीक रहेगा। ठीक है, मैं वहाँ अकेले ही जाती हूँ। मेरा लगेज कहाँ है माँ? उधर ही पैक करके रखा है बेटा। यार सोमू, वो देख सामने। यार ये लड़की तो अकेली चली आ रही है।
ए, उस लड़की के पीछे उसका बाप या ससुर कोई तो आता होगा। नहीं, वो अकेली है, पक्की बात है। चलो मस्ती कर लेते हैं। ठीक है, सुन रहे, उसको इधर आने दो, उसकी तरफ कोई ना देखो। सर सर, टाइम हो गया सर। अगर मेरे मालिक को पता चला तो मेरी नौकरी को खतरा हो जाएगा सर। सर मुझे भी सर चांस चांस चाहिए। जा। सर वो तो मर गई है सर। ए गोरखा, ये क्या किया तूने? सर आपने जो किया मैंने भी वही किया। अब क्या करेंगे यार, पुलिस को पता चला तो हम लोगों को जेल के अंदर बैठ के सलाखें गिननी पड़ेंगी। ए सुनो, एक काम करते हैं, बॉडी को कहीं फेंक देते हैं। सर यहाँ पास में एक तालाब है, वहाँ फेंक देंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, ए इस बॉडी को उठाओ, तालाब में फेंक देते हैं। चलो। हाँ सर, चलिए सर।
चारों ने तुम्हारे साथ रेप किया, ये तो समझ में आता है, लेकिन उन बेचारी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो मेरे रास्ते का कांटा बन रही थी, इसलिए मैंने उन लोगों को जान से मार डाला। नागराज को मारते समय हेमा बीच में आई, इसलिए वो मारी गई। पवित्रा, तुम इतनी रात को यहाँ भूत की तरह क्या कर रही हो? भूत जैसी नहीं, भूती हूँ। पवित्रा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं पवित्रा नहीं हूँ, उसकी बहन शालिनी हूँ। कौन शालिनी? क्यों याद नहीं आ रहा है? ठीक से याद कर लो। पवि, प्लीज छोड़ दो। तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। हेमा ऐसे मरी, और दूसरी लड़की? मैं देवराज को निशाना बना रही थी, मगर दिव्या डर के मारे एक्सीडेंट में मर गई। आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहन को बचाना है तो तुम तीनों को मरना होगा। रन 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 रन। रक्षा करने वाले हैं और आपने ही कानून को अपने हाथ में ले लिया,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अधिकारी लोगों को कानून के मुताबिक ही चलना होता है, ये हम सब जानते हैं, मगर यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है वो और केसेस से डिफरेंट है। कानून को चाहिए होते हैं सबूत। ऑलरेडी मेरे पास ये दो चश्मदीद गवाह हैं, एंड आई हैव अ पेन कैमरा आल्सो। क्या हम देख सकते हैं सर? नहीं, इसे तो कोर्ट में ही दिखाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। आप देख रहे हैं शालिनी के साथ हुआ था अत्याचार, और उसके साथ जो हुआ वो इस तरह से बदला लेगी ये बात किसी ने नहीं सोची होगी। शालिनी मर्डर केस इस तरह से मोड़ लेगा ये आपने और हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये सच है। कुछ भी हो, बलात्कारी लोग कानून के हाथों से तो बच सकते हैं, लेकिन कानून से भी बड़ी एक ताकत है उससे कभी नहीं बच सकते। इसलिए बलात्कारी लोग सावधान। कैमरामैन रवि के साथ मैं सुवर्णा, साइनिंग अप, बाय बाय।